नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर, आज मैं आया हूँ, आप ये प्लांट जो है वो देख सकते हैं, ये औषधीय पौधा जो है इसका नाम है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका नाम जो है वो कर्कट श्रृंगी है। हमारे यहाँ स्थानीय बिलासपुर में इसे जो लोकल भाषा है उसे हम बोलते हैं, इसको जो है वो ककड़िया बोलते हैं। ककड़िया नाम से जो है वो यहाँ पे स्थानीय भाषा में लोग इसको जो है वो जानते हैं। कर्कट श्रृंगी इसका जो है वो आयुर्वेदिक नाम है, और इसका जो बॉटनिकल जो नाम है इसका पिस्टेसिया चाइनेसिस इसका जो है वो नाम है। इंग्लिश में इसे गॉल प्लांट जो है वो उस नाम से इसको जाना जाता है। तो मैं एक बार आग्रह करूंगा कि पूरा प्लांट आप दिखाएं। ये हमारे यहाँ अगर आप बिलासपुर में इस प्लांट को आप देखेंगे तो हमारे एक और इमारती लकड़ी का एक प्लांट होता है जिसे हम तुन्नी बोलते हैं। तो ये तुन्नी की तरह जो है वो दिखने वाला, भारी भरकम और काफ़ी आपका 15 से 20 फीट की ऊंचाई का ये प्लांट होता है। इसका जो जिसे मैं हुलिया बोल सकता हूँ, वो हूबहू जो है वो तुन्नी प्लांट की तरह होता है। जैसे तुन्नी लकड़ी का जो प्लांट होता है उसी की तरह होता है, इसके पत्ते भी जो है वो उसी तरह का होता है, और ये होता है लकड़ी भी इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो बल्कि इसमें जो प्लांट है वो रहता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको दिखाएंगे तो इस ककड़िया में, इसको ककड़िया बोलते क्यों हैं, इसमें आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारा सा, जैसे जानवरों के सींग जैसे होते हैं, तो उस प्रकार का इसमें जो है वो फल, इसका हम फल इसको जो है वो मान के लेते हैं। ये देखिए, ये है ककड़िया, ये इस प्रकार से जो है वो कर्कट श्रृंगी, जिस प्रकार से किसी जानवर का सींग जो होता है वो इस प्रकार का जो है, ये इसमें सींग तरह का जो उत्पत्ति है इस फल की होती है। ये बेसिकली कोई फ्रूट नहीं है, ये कोई टहनी नहीं है। होता क्या है कि जो ये प्लांट का जो आप इसमें देख रहे होंगे, प्लांट का जो ये जो इसके पत्तों की जो स्पाइक यहाँ से निकलती है, इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो है वो एक कीड़ा होता है इस प्लांट में। और वो जैसे वो शहतूत का आपने देखा होगा, उसमें कीड़ा होता है और वो उससे जो है वो रेशम का उत्पादन करता है, वैसे ही ये स्पेशल कीड़ा, एक विशेष प्रकार का इस प्लांट में जो कीड़ा होता है वो इसके, जिसे हम कीट बोलते हैं, वो एक कीट गृह का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पत्ते के जो बिल्कुल बगल है यहाँ पे साथ में, यहाँ से एक श्रृंग रूपी एक जो ये स्ट्रक्चर है, आकृति है, इसका निर्माण करता है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये अंदर से खाली होगा, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगा भी, इसलिए हम इसे जो है वो कर्कट श्रृंगी कहते हैं। ये बेसिकली एक जीव है, एक जो है वो एक एक विशेष प्रकार का कीड़ा है, जिसकी उसकी जो एक्टिविटी होती है उसके परिणाम स्वरूप इस कीट गृह का निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय पौधों की। ये बहुत ही हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, कफ रोगों के लिए, वात रोगों के लिए बहुत ही लाजवाब, वंडरफुल जो है ये मेडिसिंस है। अब मैं इसको यहाँ से तोड़ रहा हूँ, तो वैसे तो हमारे आयुर्वेद में यह विधान है कि जब भी आप जो हैं वो किसी औषधि को प्लांट से अलग करते हैं तो विधिवत रूप से जो है वो उसका पूजा अर्चना करके आप जो हैं वो विधिवत रूप से प्लांट से ये प्रार्थना करें कि जो भी प्लांट है आपका, जैसे ये कर्कट श्रृंगी है, इसे आप एक दिव्य परमात्मा स्वरूप मानकर जो है वो उनसे अर्चना करें कि मैं ये मानस कल्याण हेतु, रोग मुक्ति हेतु जो हूँ आपसे ये प्राप्त कर रहा हूँ। और इस मंगल उच्चारण के बाद जो है वो आप उसको तोड़ सकते हैं। तो मैं भी इसी मंगल अर्चना के साथ इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ कि किसी मनुष्य के, ये देखिए मैं इसको यहाँ से तोड़ रहा हूँ। ये गॉलगिरी है, ठीक है, बहुत सारे इस प्लांट में हैं ऊपर तक, लेकिन मैंने जो मेरे हाथ में अभी आसानी से आ सकते हैं वो मैंने लिया है। अब इसको अगर मैं तोड़ के बताऊँ आपको तो ये देखिए इसके बीच में जो है वो आप देख सकते हैं खाली स्पेस है। ये सींग, जैसे सींग होते हैं बकरी के, भैंस के, उस तरह से ये कीट गृह का जो निर्माण है वो कीड़े जो है वो इसको करता है। और ये इसका चूर्ण बना के जो है शहद में मिक्स करके आप चाटेंगे तो ये कफ रोगों के लिए बहुत ही जो है वो लाजवाब औषधि है। शहद में मिक्स करके इसकी आप गोलियां भी बना सकते हैं, उसे आप चूस सकते हैं। अगर आपको दस्त ज़्यादा हो रहे हैं तो ये घरेलू उपचार मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका चूर्ण बना के बेलगिरी का थोड़ा सा पाउडर लेके या बेलगिरी के साथ मिक्स करके इसको आप खा सकते हैं, आपको तुरंत जो है वो प्रवाहिका या डिसेंट्री या अतिसार, इससे जो है वो आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये बहुत सारी बीमारियों जो में भी जो है वो लाभ देता है। तो उसका जो है वो हम औषधीय स्वरूप जो है वो अलग अलग योगों में, अलग अलग और औषधियों के साथ जो है हम इसका प्रयोग करते हैं।
मेरा जो ये वीडियो है और इसका जो मेन जो मकसद है वो जो है वो आम लोगों के लिए है, कि आम लोग जो है ये जान पाएं कि ये प्लांट जो है ये आपका कर्कट शृंगी है। हम पहाड़ी में बिलासपुरी में इसको जो है वो ककड़िया बोलते हैं, और ककड़िया में ये ऐसा एक जो है ये फल ही इसको आप मान सकते हैं, जो एक विशेष कीड़े की किसी कार्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप जो है ये बनता है, और ये इतनी अच्छी दवाई है कि आप कफ रोगों में इससे बहुत लाजवाब जो है वो परिणाम सामने पा सकते हैं। तो आप इस प्लांट को जो है पहचाने, आपके नज़दीक एरियो में, मैं भी जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखिए हमारी घासनियाँ हैं, घासनियों का ये बहुत बड़ा एक एरिया है, रकबा है, और इसके बीच में ये प्लांट है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ये प्लांट लगे हैं। तो हमने इस प्लांट को यहाँ पे आके आइडेंटिफाई किया, हमने देखा, आपको भी दिखाया। आप इस प्लांट का जो है वो संरक्षण करें और अपने जो प्रकृति की जो अमूल्य धरोहर है उसका स्वास्थ्यात्मक दृष्टि से लाभ पाएं। अगली वीडियो में मैं दोबारा आपसे आऊँगा, लाइव होऊंगा किसी और एक नए और एक प्रकृति के अनमोल खजाने के साथ। तो इसी के साथ, इस कर्कट श्रृंगी ककड़िया प्लांट के साथ, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।